स्वागत है बच्चों एमएन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो बच्चों लगभग डेढ़ महीने से विद्यालय बंद है और आपकी पढ़ाई बाधित है, इसलिए इस समय एमएन पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन स्टडी करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल जूनियर के कक्षा 6, 7 व 8 के बच्चों के लिए एक क्विज तैयार किया गया है, जिसमें आप अपने को जांचेंगे कि क्या आप इन छुट्टियों में जो भी पढ़े लिखे थे कहीं भूल तो नहीं गए, कुछ जानकारियां जो हुई थी वो आप भूल तो नहीं गए। तो बच्चों इस वीडियो में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उनके 3-3 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प बताना है और उस विकल्प में से चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है प्रश्नों का, और उस विकल्प में से सही विकल्प भी हम बताएंगे उस प्रश्न के अंत में। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? जी हाँ, एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? इस प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों विकल्पों में से पहला विकल्प है 0, और फिर दूसरा विकल्प देख लीजिए, दूसरा विकल्प है 1, और तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से चुनना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। इसके 3 विकल्प हैं, 0, 1 और इनमें से कोई नहीं। तो बताना है, आप खुद अपने आप में सोचिए और दिमाग लगाइए कि इसका जवाब क्या होगा और बताइए। और इसका जवाब यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कौन सा विकल्प सही है। तो ये दूसरा विकल्प सही यहाँ पे दिखाई दिया, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी जो दूसरे विकल्प में दिया गया है। चलिए बहुत अच्छा, अब दूसरा जो प्रश्न है वो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। जी हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? इसके भी 3 विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है 9, दूसरा विकल्प है 0 और तीसरा विकल्प है 1। तो आपको चुन के बताना है इन तीनों विकल्पों में से कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो आप खुद सोचिए, जांचिए अपने आप को और हम तब तक सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। तो ये आपका इसका देखिए जवाब आपके सामने आने वाला है, दूसरा विकल्प इसमें भी सही है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। चलिए आपके सामने अब तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है बच्चों, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक बार और सुन लीजिए, देख लीजिए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसका भी 3 विकल्प है, सबसे पहला विकल्प है 0 और दूसरा विकल्प 1 और तीसरा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, उसके 3 विकल्प 0, 1 और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जवाब देखिए आपके सामने, पहले खुद आप सोचने का प्रयास करिए कि बता पाते हैं कि नहीं, लेकिन देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा इसमें से तीसरा विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए इनमें से कोई नहीं, इसमें से सही है तीसरा विकल्प। और आपके सामने अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक बार और सुन लीजिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसके भी 3 विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है 9, दूसरा विकल्प है 99 और तीसरा विकल्प है कि नहीं होती है, अर्थात सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, इनमें से कौन सही होगा, 9 सही होगा या 99 सही होगा या नहीं होती है सही होगा। तो आप बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा, पता हो तो बताइए। चलिए अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा, नहीं होती है। तो ये था चौथा सवाल, अब हमारा पांचवा सवाल है, आखिरी सवाल आपसे किया जा रहा है पांचवा, वो है निम्न में से कौन अभाज्य है? निम्न में से कौन अभाज्य है, ये हमारा प्रश्न है। और इस प्रश्न के भी 3 विकल्प दिए गए हैं,
इसमें से पहला है 9, दूसरा है 21 और तीसरा है 19। तो आपको बताना है बच्चों निम्न में से कौन सा अभाज्य है, इन तीनों विकल्पों में से आपको चुन के बताना है। तो आप जल्द ही बताने का प्रयास करिए। देखिए जब तक स्क्रीन पे उत्तर आ रहा है उससे पहले आप सोच के बताइए कि इसका क्या विकल्प होगा। देखिए इसका उत्तर आने वाला है आपके सामने, तो ये रहा 19, यानी कि तीसरा विकल्प सही है 19। तो ये था बच्चों 5 प्रश्न जो आपके सामने रखे गए, और इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हैं, आपको कितना याद है। तो बच्चों इन 5 सवालों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो भी क्लास में पढ़े थे उसमें से कितना याद रख पाए हैं आप। कहने का मतलब है ये बच्चों कि अगर आप अभ्यास करना छोड़ देंगे, दोहराना छोड़ देंगे, तो जो भी आपको याद होगा वो सब भूलते चले जाएंगे। इसलिए घर पर आप अभ्यास जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए और समय का उपयोग करिए, और जो भी समस्या हो वो हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में अगर ठीक से समझना है तो हमारी YouTube चैनल से जाके और वीडियो को देखिए और समझिए, और जो भी उसमें समस्या आती है, जो कोई भी दिक्कत आती है, तो हमको कमेंट करके बताइए, या हमारे WhatsApp नंबर 94150 90585, या फिर एक और WhatsApp नंबर है 9616568879, इस पर आप संपर्क करिए। जो भी आपका दिक्कत होगा उसका हम सलूशन आपको करके और भेज देंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।